हाय फ्रेंड्स, दिस इज लक्ष्मण, योर TESS कोच। एंड आज मैं आप लोगों को कुछ नेटवर्किंग्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि नेटवर्किंग में हम ज़्यादा शुरुआती चीज़ों को हम नहीं ध्यान में देते हुए हम पहले ये देखते हैं कि लोग मिस्टेक कहाँ पर करते हैं। मतलब हमारे इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो 90% ऐसे टेक्नीशियंस है जिन्हें IP एड्रेसेस को यूज़ करना तो आता है, लेकिन IP एड्रेस के बारे में उन्हें डिटेल नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग हैं, और मुझे पता है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग IP एड्रेस यूज़ तो करते हो आप कई बार सिस्टम के अंदर, लेकिन एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, कहीं पर देख कर रट्टा मार के कहीं पर आपने सीखा होगा, बट आप कर क्या रहे हो उसका एक्चुअल में मीनिंग आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को IP एड्रेस के बारे में पूरा का पूरा आपको डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ और एकदम क्लियर करूँगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये जो ट्रेनिंग है ये पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एज वेल एज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगे जो भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। सो शुरुआत करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे IP की। ठीक है, तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो IP एड्रेस होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे हमारे इंडिया में जितने भी व्हीकल्स चल रही है, ठीक है, सभी के गाड़ी नंबर अगर आप देखोगे तो सभी के गाड़ी नंबर क्या है, यूनिक है। राइट, सभी के गाड़ी नंबर क्या है, यूनिक है। उसी तरीके से जब नेटवर्क के ऊपर कोई भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें कम्युनिकेशन करने के लिए फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर डिवाइसेस वी नीड अ IP एड्रेस। ठीक है, क्या जरूरत पड़ती है IP एड्रेस की। तो देखो क्या होता है, इसे थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा जो समझने का जो तरीका है, ठीक है, नंबर सिस्टम को जो समझने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि आपको यहां पर मैं लिखकर बताता हूं, डेसिमल नंबर्स हम जो समझते हैं वो डेसिमल नंबर्स में समझते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सिंबल्स हैं हमारे पास में जिन सिंबल्स को मिक्स करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ठीक है, इन सारे डिजिट्स को, यानी कि इसे आप डिजिट भी बोल सकते हो, इन सारे डिजिट्स को, इन सारे सिंबल्स को मिक्स करके हम कोई भी नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर दी डेसिमल नंबर। ये क्या है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो हमें यहाँ पर देखोगे ना, डेसी, ये जो डेसी का जो मीनिंग होता है ना, इसका ही मतलब होता है 10 नंबर्स, यानी कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ 10 डिजिट्स, यानी कि 10 नंबर्स का, 10 डिजिट्स का ये कलेक्शन है। ठीक है, तो इसका जो बेस वैल्यू होगा, यानी कि इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 10। ठीक है, तो ये जो 10 है, ठीक है, इसकी बेस वैल्यू है, यानी कि इसका बेस नंबर है। थोड़ा सा और डिटेल करेंगे बाद में, अभी पहले समझते हम। तो ये क्या है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। जो डेसिमल नंबर अगर आप देखोगे तो वो हमें कोई भी नंबर अगर आप देखोगे तो हमें इस फॉर्मेट में समझ में जल्दी आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 1012, ठीक है, 10102, इस तरीके का नंबर लिखता हूँ, या तो 103 लिखता हूँ, या तो फिर 1405 लिखता हूँ, तो इस तरीके का नंबर क्या होता है, हमें ईजीली समझ में आता है क्या लिखा हुआ है। बट कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर में हमारा डेसिमल नंबर नहीं चलता है, यानी कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, यानी कि मशीन का जो लैंग्वेज होता है, वो होता है कुछ अलग, एंड दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, देखिए कंप्यूटर करता है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट, और अगर बाइनरी में है तो आपको रिप्रेजेंट करता है एज अ डेसिमल में। ये काम होता है कंप्यूटर का। तो बाइनरी नंबर के बारे में तो आपने सुना ही होगा कई बार, जिसमें कि आपने देखा होगा कि कंप्यूटर जो बातें करता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो 0 और 1 में होता है। जहां पर अगर 1 देखोगे तो वो ऑन होता है, और 0 अगर आप देखोगे तो वो ऑफ होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो ये 0 और 1 इज नथिंग बट अ बाइनरी नंबर। ये जो बाइनरी नंबर होता है, इसका जो बेस होता है वो 2, यानी कि 2 डिजिट को मिला के हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर फॉर्म करते। ठीक है, लाइक 0100110001, इस तरीके का जो फॉर्म होता है डैट इज़ कॉल्ड बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर में लिखने के लिए आपको 2 ही डिजिट लगेंगे, डैट इज़ 1 is 0 and another is 1। ठीक है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इसका बेस क्या लिखूँगा,
2 और यहां पर 10 डिजिट को इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, डेसिमल नंबर बनाया हुआ है, इसके वजह से इसका बेस वैल्यू क्या लिखा है मैंने, 10। ठीक है, सो यहां पर जो बाइनरी नंबर्स है ये कंप्यूटर सिस्टम का लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसको समझता है, लेकिन हम जनरली इसमें नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको आगे चल के इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल बनाऊंगा कि कैसे आप बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सको डेसिमल में, और कैसे आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सको। ये बहुत ईजी है, आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट अभी फिलहाल मुझे वो नहीं सिखाना है आपको, अभी मैं को आपको आईपी के बारे में सिखाना है। तो पहले हम देख लेते और भी डिटेल में जाकर, यानी कि अगर यहां पर आप देखोगे देखिए, तो ये जो 01 होता है इज कॉल्ड योर बाइनरी नंबर। तो बहुत सारे लोगों को अगर आपने देखा होगा, इसको आप बिट भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप, जस्ट अ सेकेंड, बिट, जो क्या है, सबसे स्मॉल यूनिट है, ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे स्मॉल यूनिट, सबसे छोटा सा जगह जो लेता है, दैट इज कॉल्ड योर बिट। अब यहां पर हम आगे बढ़ते, अब जब आप आईपी एड्रेस को आप देखोगे कंप्यूटर के अंदर, बहुत सारे जगहों पर आप आईपी एड्रेस देखोगे, तो वहां पर कैसा होता है दिखने में, कुछ इस तरीके से 4 पार्ट में वो डिवाइडेड होता है, 1, 2, 3, 4, और डिवाइड करने के लिए वी आर यूजिंग अ डेसिमल, डेसिमल पॉइंट्स, वी आर यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट, राइट। तो यहां पर ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इससे हम क्या करते हैं, इस नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं आईपी एड्रेस के अंदर, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते। तो यहां पर जैसे कि आपको जो यहां पर दिख रहा है, कुछ इसी तरीके से 4 बॉक्स में होता है, यानी कि इसे आप एक बॉक्स की अगर बात करोगे, यानी कि जो एक डेसिमल के पहले की जो वैल्यू बात करोगे, इसका जो बिट होता है, यानी कि इसका जो बिट होता है वो होता है आपका 8 बिट की होते हैं, इसके अंदर टोटल 8 बिट्स होते हैं आपके एक ऑक्टेट में, इसको क्या कहा जाता है, ऑक्टेट। अब ऑक्टेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर 8 बिट होता है, इसके लिए उसको ऑक्ट 8 बोला जाता है, ऑक्टेट, ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, आगे बताऊंगा ये सब क्यों ऐसा ऑक्टेट क्यों बोला जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। अब यहां पर आप देखोगे तो ये क्या, कितने ऑक्टेट का है, इट्स द जो भी आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, देखो आईपी एड्रेस जो होता है ना वो 2 वर्जन्स में अब आते हैं, आईपी वर्जन 4, पहले आईपी वर्जन 4 ही चलता था, बट अब जो होता है, अब आपको आईपी वर्जन 6 भी आपको मिल गया है, ठीक है, नॉट 5, इट्स द 6, आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 6 के ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है, जहां पर हेक्साडेसिमल वगैरह यूज करके बनाया जाता है, बट ये सब हम आगे बात करेंगे। बट अभी फिलहाल आईपी वर्जन 4 जो आज ज्यादातर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एज वेल एज एनवीआर हो गया, डीवीआर हो गया, हर जगह पर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो आईपी वर्जन 4 है, अगर हम इसकी बात करेंगे, तो ये जो आईपी वर्जन 4 है ये डिवाइडेड होता है कितने में, आपका 4 ऑक्टेट में ये डिवाइडेड होता है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, तो टोटल ये कितने ऑक्टेट का हो गया, 4 ऑक्टेट का हो गया। ध्यान से समझना, मैं बहुत स्लो सिखा रहा हूं, अच्छी तरीके से सिखा रहा हूं, ताकि आपको ये चीजें आज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो हर एक ऑक्टेट आपको जो दिख रहा है, इस हर एक ऑक्टेट का जो बिट होता है, दैट इज योर 8 बिट, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, हर एक ऑक्टेट का कितना बिट होगा, इस 8, 8, 8, 8, यानी कि टोटल कितना हो गया, 32 बिट। अगर आप इसको प्लस करोगे तो 8, 8, 16, 16, 16, 32, यानी कि टोटल 32 बिट का, आप बिट्स बोल सकते हो या बिट बोल सकते हो, ठीक है, टोटल होता है। तो अब ये 8 बिट आया कहां से, ये तो समझ में आना चाहिए ना, 8 बिट आया कहां से, कैसे इसको फॉर्म किया गया, कैसे इसको बनाया गया, यानी कि ये रिप्रेजेंट कैसे किया गया, ये 8 बिट को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, हर एक जो ऑक्टेट है, ठीक है, वो उसका बेस वैल्यू क्या है, 2, ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे 2 का पावर, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे, तो 2 का पावर, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का, बिकॉज बेस वैल्यू कितना है हर एक में,
2 है, यानी कि आपका जो बाइनरी का जो बेस है जो मैंने आपको बताया था वो कितना है 2 है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा। देखो ये 8 जो बिट होता है एक ऑक्टेट के अंदर जो 8 बिट होता है, ठीक है, उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7। बस मैं यहां पर 2 का पावर 8 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने शुरुआत 0 से किया था, इस वजह से मैं 8 वहां पर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट आप कैलसी से करो, आप गूगल से जाके कैलकुलेट करो, आप कोई भी कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करोगे या तो एक्सेल में आप कर सकते हो, तो अगर आप देखोगे 2 का पावर 0 इज 1, ठीक है, 2 का पावर 1 इज 2, 2 का पावर 2 इज 4, 2 का पावर 3 इज 8, 16, ठीक है, 32, 64 और 128, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू और ये आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। ऑल राइट, तो कुछ इसी तरीके से यानी कि 2 का पावर 0 इज 1, 2 का पावर 1 इज 2, ठीक है। तो अगर आप ये निकालना चाहते हो तो आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है, मैं एकदम बिगनर लोग के लिए बता रहा हूँ ये, एकदम बिगनर, ठीक है। जैसे मान के चलो आप एक बिगनर हो, तो अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर आप क्या करो, 2 लिखो और 2 आपके कीबोर्ड में एक एक्सपोनेंस करके सिंबल होता है, आपके कीबोर्ड में क्या होता है, एक एक्सपोनेंस करके सिंबल होता है। अब वो एक्सपोनेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये होता है एक्सपोनेंस, ठीक है, 2 एक्सपोनेंस, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंस कहा जाता है। तो जो पावर है वो आपको कुछ इस तरीके से यूज करना है आपके एक्सेल में, तो यहां पर ध्यान दो। तो 2 पावर, हम पावर लगा देते हैं उसमें 0, और इसको आंसर हम निकालेंगे यहां पर, तो इज इक्वल टू डालना जरूरी है एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो 1 आ रहा है यहां पर। तो इसी तरीके से अगर हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे हर एक चीजों को, जैसे यहां पर अगर मैं लिख लेता हूं 2, सबकी बेस वैल्यू कितनी है 2 है, हर बिट की बेस वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो मैं यहां पर 2 ले लेता हूं, जैसे मान के चलो यहां पर मैं कुछ, ऑल राइट, सो यहां पर मैं एक्सपोनेंस ले लेता हूं, एक्सपोनेंस, ठीक है, और यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से मैं 7 ले लूंगा, और फिर उसके बाद में मैं इसे कैलकुलेट करूंगा इज इक्वल टू दिस, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी रिक्वायर्ड नहीं है मुझे, डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर इज इक्वल टू दिस एक्सपोनेंस टू, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। और फिर मैं इसे ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो डबल करते चले जाओ आप, आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत ईजी है, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, तो ये आप इजीली कैलकुलेटर से भी कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है, इसको निकाल सकते हो आप। सो कमिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन, सो इतना समझ में आ गया आप लोग को कि ये जो एक बिट है, ठीक है, यही सेम, ये जो एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम यूज किया गया है यही सब में यूज किया गया है, यानी कि सभी में, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, सभी में 1 2 3 4, 4 ऑक्टेट है ना, तो सभी में रिप्रेजेंट करने के लिए सेम दिया गया है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, बहुत ईजी है, बस समझाने वाला अच्छा फैकल्टी आपको मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आगे जाते हैं हम, जैसे कि अभी अगर मैं मान के चलो कि अब ये अगर मुझे पता चल गया, तो अब मुझे कोई भी नंबर अगर फॉर्म करना है तो मैं कोई भी नंबर ईजीली फॉर्म कर पाऊँगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूँ, यहाँ पर मुझे अगर लिखना है 192, मुझे अगर 192 लिखना है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में 192 कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं यहाँ पर लाइन ले लेता हूँ एक, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम सीखेंगे, डोंट वरी। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 192 को, तो 192 इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे, देखो बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक तो 128, इसका देखो यहां पर देखोगे 7 का जो पावर है इसका वैल्यू कितना है 128, तो 128 पे मैं 1 लिख कर दूंगा, 1, 128 प्लस 64 कितना होता है 192, ठीक है,
तो इसको भी मैं वन कर देता हूँ और बाकी को मैं क्या करूँगा, जीरो कर दूंगा, जीरो 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 जीरो। तो इसका जो फॉर्मेट है यानी कि इसका जो बाइनरी नंबर है वो है 1100000, ठीक है, और इज इक्वल टू 192। तो कुछ इसी तरीके से होता है। अच्छा, आप 10 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर मुझे 10 लिखना है तो 10 कैसे रिप्रेजेंट होगा बाइनरी में? तो देखिए ऐसे होगा, तो 10 मतलब 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ऑल राइट। तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0000000, तो इज इक्वल टू 10। तो कोई भी बाइनरी नंबर आप इजीली बना सकते हो आप, ठीक है। आपके पास में क्या है, आपके पास में ऊपर मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, वो फॉर्मेट कैसे रिप्रेजेंट हुआ है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि कंप्यूटर जो समझता है वो कुछ इस फॉर्मेट में समझता है। आप तो लिखते हो 192, बट वो समझता कैसे है, वो समझता ऐसे है, 192 का जो फॉर्मेट है वो ये है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड 8 बिट, हर एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट का कलेक्शन होता है, ऑल राइट। सो समथिंग मोर माई डियर फ्रेंड, समथिंग मोर, जैसे कि यहां पर अगर हम बात करेंगे, आगे जाते हैं हम, अगर मुझे कुछ और बनाना है, जैसे लेट्स से नंबर ले लेते 33, ठीक है, 33 नंबर अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम इसमें, ठीक है। तो 33 के लिए 32 एंड 33, तो 1 हो गया यहां पर, 1 और 1, तो ये मैंने 33 बना दिया, ठीक है। बाकी 000, ठीक है, इस तरीके से आप 32 और 33 आपने बना दिया, तो 001000001, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही आपकी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो काम करता है और कंप्यूटर सिस्टम आपकी बातें करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, 32 बिट्स, यानी कि इसके अंदर टोटल कितने बिट्स हो गए, हर एक बिट में 8, आप कह सकते हो हर एक ऑक्टेट में आपके 8 बिट्स है, तो टोटल कितने हो गए, 32 बिट्स। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ 32 बिट्स, आपका जो आईपी वर्जन 4 होता है, जो आईपी एड्रेसेस होती है, इज अ कलेक्शन ऑफ 32 बिट्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये वैल्यूज कहाँ से आती है और कैसे ये काम करती है। अब आईना जो होता है, ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पर क्या होगा, गूगल पे अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको, मैं गूगल पे जाके दिखा देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। गूगल पे अगर आप जाओगे तो लेट से आईना, आईना आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, जितने भी आईपी एड्रेसेस है, ठीक है, वो सारे आईपी एड्रेसेस ये आईना उसे मैनेज करता है, ठीक है, यहां से कंट्रोल होते हैं वो सारे आईपी एड्रेसेस। तो आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आईपी एड्रेसेस को मैनेज करता है, और भी बहुत सारे चीजें हैं, और भी चीजें हैं जो ये लोग मैनेज करते हैं, बट इसके ऊपर कभी मैं फिर वीडियो बनाऊंगा कि आपको समझाऊंगा कि आईना का रोल क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ठीक है। उनका एक अपना पीपीटी है, वो पूरा पीपीटी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। बट फिलहाल अभी के लिए हम क्या समझते, देखो ये आईना ने ना क्या किया है, कुछ आईपी के क्लासेस का बनाए हुए है, यानी कि जिसे हम आईपी रेंज कहते हैं, आईपी रेंज, आईपी क्लासेस। तो अगर आप देखोगे तो अभी हम यहां पर अगेन, जो मैंने वहां पर चीजें लिखी थी वो सारी चीजें मैं यहां पर अगेन रिपीट कर दूंगा। तो लेट से मैं यहां पर इसे कॉपी कर लेता हूं, कॉपी। तो ये जो क्लासेस है, ठीक है, वो क्लासेस किसने बनाया हुआ है, वो क्लासेस आईना ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसे वापस से रिपीट कर लिया, सो ये सिस्टम तो आपको पता चल गया कि आपके बाइनरी, आपके जो कैलकुलेशंस है वो कैसे आपके रिप्रेजेंट किए गए, आपके जो 8 बिट्स है वो कैसे रिप्रेजेंट किए गए, वो मैंने आपको बता दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कैसे आईपी के रेंजेस होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में जो आपका आईपी एड्रेस दिखता है वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से 192.168.0.1 कुछ ऐसे दिखता है, या तो आपने देखा होगा 1.1.1.0 कुछ ऐसे होगा। तो ये सब क्या है, दीज आर दी फॉर्मेट्स ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अब
आईपी का रेंज बनाया गया, दैट इज कॉल्ड आईपी क्लासिफिकेशन। तो आईपी एड्रेस जो है ना वो आपका 5 क्लासेस में डिवाइडेड है, 5 क्लास में उसने आईना ने डिवाइड किया हुआ है। और कैसे डिवाइड किया हुआ है वो भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। ऑल राइट, सो लेट मी चेक एंड एक्सप्लेन यू। सो जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मान के चलिए ये मैं इसे लाइन खींच देता हूं, इसे सॉल्व करते आपको पता है अगर मुझे जीरो का बाइनरी नंबर क्या होगा, यानी कि अगर मुझे जीरो निकालना है तो उसका बाइनरी नंबर क्या होगा, तो 0000000, ठीक है। अगर मैंने सभी को जीरो कर दिया तो इसका क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैंने यहां पर वन कर दिया, ठीक है, एक को ऑन कर दिया, तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, 000 इज इक्वल टू, तो वन का क्या होगा, इधर ऊपर देखो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 128, ठीक है। अगर मैंने यहां पर दो को ऑन कर दिया, तो दो को ऑन कर दिया, यहां पर दो बिट को ऑन कर दिया, तो यहां पर बाकी को अगर मैंने जीरो रखा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 128। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192, ठीक है। अगर मैंने यहां पर तीन को ऑन कर दिया, तीन को ऑन कर दिया, ठीक है, और बाकी को मैंने 0000 रखा, तो इसका क्या होगा, तो 128 प्लस 64, ठीक है, प्लस 32 कितना हो जाएगा, आप कैलसी भी कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटर कर सकते हो यहां पर। तो 128 प्लस हम क्या करेंगे यहां पर 30, देखो मैं इतना बेसिक कर रहा हूं, ठीक है, प्लस 64 प्लस 32 कितना हो गया, 224। ऑल राइट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 224, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आते हम लास्ट, इसको ऑन करते 1111 और एक बिट को ऑन कर दिया, और यहां पर क्या हो गया, 224 प्लस आपका कितना हो गया, 224 प्लस 16 इज 240, ठीक है। तो 240 होता है आपका नंबर यहां पर, तो यहां पर आप कर दो प्लस 16, ठीक है, तो 240, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे आईना ने क्या बोला, नहीं अब इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतना इनाफ है, तो आईना ने स्टॉप कर दिया 255, ठीक है, 255 पे उसने स्टॉप कर दिया। बिकॉज अगर आप देखोगे ना कि इसको सारे को अगर ऑन करके देखोगे तो सारे की जो वैल्यू आएगी दैट इज मैक्सिमम 255, बट आईना ने और क्लासेस नहीं बनाए और रेंज नहीं बनाए, ठीक है। तो देखो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, 240 के पहले क्या आता है, 240 के पहले आता है 239, ठीक है, 224 के पहले क्या आता है, 223, ठीक है, उसके बाद में 192 के पहले क्या आता है, 191, 128 के पहले क्या आता है, 127। अब मुझे बताओ कौन इस चीज को रट्टा मारता था, ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, ये सी क्लास है, ये डी क्लास है और ये ई क्लास है। कुछ इसी तरीके से आपकी जो क्लासिफिकेशन थी वो इसी तरीके से बाइफरकेट की गई। जो आप क्लासिफिकेशन गूगल पे पढ़ते हो या कहीं पर फोटो मिल जाता है आप उसे रट्टा मार लेते हो, ठीक है, तो ये गलत है। उसे कॉन्सेप्ट को समझो कि वो आया कैसे, वो इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी जो मैक्सिमम है, ठीक है, अब इसको ज्यादा ब्रेकअप नहीं किया गया, आईना ने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया, यानी कि टोटल ई क्लास तक उसने बनाया, और ये जो ई क्लास तक जो उसने बनाया सारे क्लासेस अलग अलग लेवल पर यूज किए जाते, जिसको जितने चाहिए होते उतने यूजर के हिसाब से वो यूज करता है। तो ये इसके ऊपर भी मैं आगे प्रूफ करूंगा, इसके ऊपर भी मैं सारी चीजें डिटेल दूंगा, डोंट वरी, सीखते जाइए समझते जाइए, सब क्लियर होगा आपका। आई होप कि यहां तक आपको पता चल गया कि ये क्लासेस कैसे आए, क्लासेस कैसे बने, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम देखेंगे यहां पर एक ऑक्टेट की अगर वैल्यू देखोगे, यानी कि ये एक ऑक्टेट की अगर वैल्यू देखोगे तो वो वैल्यू कितना है, 0 to 255, यानी कि जीरो क्या है, दिस इज योर मिनिमम एंड दिस इज योर मैक्सिमम, ठीक है। तो एक ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 255, इसी वजह से यहां पर हर एक ऑक्टेट जो जाएगा वो 0 to 255 तक की ही वैल्यूज जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। क्यों 255 तक जाएगी, क्योंकि आप
प्रूफ कर लीजिए यहां पर, अगर आप सारे वैल्यूज को ऑन कर दोगे, सारे वैल्यूज को ऑन कर दोगे तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 255। इस वजह से ये जो बाइफरकेटेड है, यानी कि अगर आप देखोगे, लेट मी हैव सम वाटर, ऑल राइट, तो ये अगर आप देखोगे तो ये जो रिप्रेजेंट किया गया है कितने 8 बिट में रिप्रेजेंट किया है, तो अगर हमने 8 के 8 बिट को यूज कर लिया, 8 के 8 बिट को यूज कर लिया, तो उसकी अपर जो वैल्यू होगी दैट इज 255। इस वजह से हम एक ऑक्टेट के अंदर हम 255 से ज्यादा का कोई नंबर हम नहीं लिख सकते, इसमें 0 to 255। तो 0 इज योर मिनिमम एंड 255 इज योर मैक्सिमम, तो ये मैं लिख देता हूं, मिनिमम और मैक्सिमम। ऑल राइट, सो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत इजीली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे जाते और हम कॉन्सेप्ट्स को और स्टडी करेंगे। ऑल राइट, सो अब हमें तो देख के ये पता चल जाएगा कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ठीक है, लेट मी जूम आउट दिस, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल कितने हो गए आपके, 5 क्लासेस हो गए। अब हमें तो ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्लासेस को हमको कहां पर यूज करना है, थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा, बट यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ए बी सी ये जो है ये हम हमारे इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, डी और ई ये हमारे इंडस्ट्री में यूज नहीं करते, यानी कि हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा जो DVR होगा या तो फिर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होगा, जो भी हमारे एंड डिवाइसेज होंगे, ठीक है, वो सारे जितने भी एंड डिवाइसेज होंगे वो डी और ई की आईपी एड्रेसेस को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो यहां पर ये जो डी क्लास की जो आईपी होती है, यानी कि जो डी से जो रेंजेस शुरू और खत्म होते हैं, वो आईपी एड्रेस मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है। तो कभी फिर मैं आपको मल्टीकास्ट के बारे में बताऊंगा, जब हमें राउटर और राउटर की कम्युनिकेशन करनी होती है ना आपस में, जैसे ये राउटर को ये राउटर से, ये राउटर को ये राउटर से, ठीक है, तो इसकी कम्युनिकेशन करने के लिए वी आर यूजिंग द डी क्लास ऑफ आईपी, यानी कि डी क्लास की आईपी यूज करते हैं, ठीक है, राउटिंग के लिए, ठीक है। सो आगे चल के मैं आपको कभी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, बट अभी फिलहाल उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये रिजर्व होता है फॉर मल्टीकास्ट, और ई जो होता है ना, ई ये जो ई क्लास होती है, ये ई क्लास जो होता है ये फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर यूज, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको फ्यूचर यूज के लिए, बट एक्चुअली में देखोगे तो फ्यूचर यूज भी नहीं है, एक्चुअली ये वेस्ट हो चुका है, एक्चुअली ये यूज ही नहीं होता है आप सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर ये यूज नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट डी तक आपका काम हो जाता है, जहां पर राउटिंग के लिए भी अगर काम करना है, तो ये फ्यूचर यूज मतलब ये एक्चुअली वेस्ट हो चुका है अब, ठीक है, उतना यूज नहीं होता है। तो डी, ए, बी और सी ये हमारे लिए है, हम इसमें काम कर सकते हैं, और इसकी अपनी अपनी एक लिमिटेशन है, हम अपने डिवाइसेस के हिसाब से, जैसे मुझे अगर 500 डिवाइस चलाना है, मुझे अगर 1000 डिवाइस चलाना है, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे को ए क्लास के रेंज में जाना है या बी के जाना है या सी के जाना है, वो मुझे देखना है, बट वो मैं आपको आगे प्रूफ करूंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो पहले तो हम ये समझते कि जितने भी क्लासेस होती है, जितने भी आईपी एड्रेसेस आप देख रहे हो, ये सारे आईपी एड्रेस का ना डिफॉल्ट सबनेट होता है, ठीक है, क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार सबनेट मास्क, ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर जहां पर भी आप आईपी एड्रेस देखते हो ना, तो उसके नीचे आपको सबनेट मास्क जरूर दिखेगा। सबनेट मास्क क्यों होता है, क्योंकि देखो कोई भी आईपी एड्रेस जब हम देखेंगे ना, जैसे मान के चलो मैंने यहां पर लिख दिया 192.168.0.1 फॉर एग्जांपल, तो मुझे अगर ये देखना है ना कि ये कौन से क्लास में है, ये कौन से क्लास में है, ये है आपका ए क्लास में या बी क्लास में या सी क्लास में, ये पहचानेंगे कैसे, ये पहचानने के लिए आपको हमेशा अपने आईपी एड्रेस की फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है। फर्स्ट ऑक्टेट रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन से क्लास का है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये 192 से लेकर 223 के बीच में आता है, तो इस वजह से यहां पर ये सी क्लास की आईपी है,
तो अगर मैंने यहां पर एक एग्जांपल और देता हूं, यहां पर अगर मैं लिखता हूं 132.1.1.0 कुछ इस तरीके का आईपी अगर मैं लिखता हूं, तो आप मुझे बताइए ये कौन से क्लास में आता है। तो देखो 132 किस में आएगा, ये आएगा आपके बी क्लास में, ठीक है। तो ये आएगा आपके बी क्लास में, ठीक है। तो इसके बीच में आएगा 128 के ऊपर आता है वो, ठीक है, 132, तो ये बी क्लास की आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरीके से 125.0.0.1 ये किस में आएगा, तो पहला ऑक्टेट आप देखिए, पहला ऑक्टेट किस में आएगा, यानी कि 125 तो ए क्लास में आएगा। तो इस तरीके से आप पहले ऑक्टेट को देखकर आप ये पहचान सकते हो कि वो जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन कंप्यूटर को कैसे समझेगा कि कौन सी आईपी कौन से क्लास की है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम सबनेट मास्क का यूज करते, ठीक है। तो हर एक आईपी एड्रेस जो होता है ना, हर एक आईपी एड्रेस की अगर आप बात करोगे, हर एक आईपी एड्रेस उसके अंदर दो चीज होती है, उसके अंदर अगर आप देखोगे वो दो चीज से बाइफरकेटेड होती है। एक होती है आपका नेटवर्क आईडी एंड अनदर इज योर होस्ट आईडी। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर आपका डीवीआर है, कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, अगर आप आपके डीवीआर से आप राउटर के ऊपर कुछ भेज रहे हो और उस राउटर से किसी और के पास में वो आपका डेटा पैकेट जा रहा है, तो वो जो डेटा पैकेट जाता है वो नेटवर्क आईडी के बेस पे जाता है, ना कि होस्ट आईडी के बेस पे जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी के थ्रू ही हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं हमारे एक दूसरे नेटवर्क पे, यानी कि एक राउटर से दूसरे राउटर पे जब कम्युनिकेशन होगा तो वो नेटवर्क आईडी के बेस पे होगा, ठीक है, होस्ट आईडी के बेस पे नहीं होगा। जब आपके राउटर के ऊपर आएगा और राउटर से फिर स्विच के ऊपर आएगा, वहां से फिर वो डेटा पैकेट उस होस्ट के पास में पहुंचता है, कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। तो हर एक आईपी, लेट से 192.168.0.1 की अगर हम बात करेंगे, तो ये जितने भी ऑक्टेट है, ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो आपके नेटवर्क आईडी होंगे और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो आपके होस्ट आईडी होंगे, यानी कि कुछ ऐसे ऑक्टेट होंगे जो नेटवर्क आईडी होंगे, कुछ ऐसे ऑक्टेट होंगे जो आपके होस्ट आईडी होंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं अगर डिफॉल्ट सबनेट लिखूंगा, जो पहले से डिफाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट सबनेट, ठीक है। तो यहां पर एक क्लास में अगर आप देखोगे तो उसमें एक नेटवर्क आईडी होता है और दो होस्ट आईडी होता है। बी क्लास की अगर हम बात करेंगे तो दो नेटवर्क आईडी होता है और दो होस्ट आईडी होता है। सी क्लास की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर तीन नेटवर्क आईडी होते हैं और एक होस्ट आईडी होता है, ठीक है। तो अगर मुझे यह देखना है कि इसके अंदर कितना नेटवर्क आईडी है और कितना होस्ट आईडी है, तो मैं पहले इसको यह देखूंगा कि यह कौन से क्लास में आता है। तो मैं यहां पर यह देखूंगा कि यह आता है मेरा सी क्लास में, ठीक है। तो यहां पर यह देख सकते हो, यह 192 सी क्लास में। तो सी क्लास का डिफॉल्ट सबनेट, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफॉल्ट सबनेट क्या है, तीन नेटवर्क आईडी और एक आपका होस्ट आईडी है। तो कुछ इसी तरीके से आपका सबनेट मास्क यूज होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, और कंप्यूटर को यह समझ में आता है कि इस आईपी के अंदर कितने नेटवर्क आईडी है और कितने होस्ट आईडी है। तो ये नेटवर्क आईडी क्यों पता करना है, ये क्या जरूरत है इसकी, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते। देखो, अगर मैं एक पीसी ले लेता हूं, लेट्स से एक पीसी ले लेता हूं, अगर इस पीसी को, लेट मी जूम आउट, लेट मी जूम आउट, तो अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक पीसी, ये वन पीसी है, फर्स्ट पीसी, और ये क्या है आपका सेकेंड पीसी है। तो अगर इस फर्स्ट पीसी को सेकेंड पीसी से बात करना है, डेटा पैकेट ट्रांसमिट करना है, तो मुझे इसको आईपी एड्रेस देना होगा, बिना आईपी के तो चलेगा नहीं। तो यहां पर मैंने दे दिया, लेट से 1.1.1.0 और यहां पर मैंने दे दिया 1.1.25.1, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने आईपी दे दिया। तो क्या लगता है आपको, ये कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जी हाँ, ये कम्युनिकेट कर पाएगा अगर वो एक क्लास में होगा तो,
ठीक है, बिकॉज यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमेशा अपने फर्स्ट ऑक्टेट को देखेगा कि ये कौन से क्लास में है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर ये जब तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा जब तक कि मैं इसको सबनेट नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे सबनेट देना जरूरी है। आप सबनेट के बिना नहीं बता सकते हो कि ये कम्युनिकेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी इसको ये नहीं पता कि इसमें कितना नेटवर्क आईडी है और कितना होस्ट आईडी है। तो जब मैं यहां पर लिखूंगा, जैसे कि मान के चलो अगर एक क्लास की बात करेंगे तो मैं यहां पर लिखूंगा 255.0.0.0 और यहां पर भी मैं लिखूंगा 255.0.0.0, तो वो हमेशा, अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, ये दोनों कंप्यूटर हमेशा ये चेक करेगा कि क्या आपका फर्स्ट ऑक्टेट सिमिलर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑक्टेट आपका, यानी कि फर्स्ट नेटवर्क आईडी आपका सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों नेटवर्क आईडी यानी कि ये 1 और ये 1 क्या सिमिलर है, फर्स्ट सिमिलर है तो ये कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो इससे कंप्यूटर को यह पता चलता है कि क्या ये इसमें कितने नेटवर्क आईडी है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सबनेटिंग करते, सबनेट मास्क देते। ठीक है, तो ताकि कंप्यूटर को यह पता चले कि इसमें कितने नेटवर्क आईडी और कितने होस्ट आईडी है। यह हमें देख के तो पता चल जाएगा, बट कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें सबनेट देना होता है। ठीक है, तो सबनेट से आप क्लास को डिफाइन नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, बड़े बड़े नेटवर्क पे जाकर जब काम करते हैं तो वहां पर गलतियां करते हैं। ठीक है, तो सबनेट मास्क से आप क्लास डिफाइन नहीं कर सकते। क्लास को डिफाइन किया जाता है आपके आईपी के रेंज से, यानी कि जो मैंने आपको बताया था, डेट इज ए बी सी। ठीक है, तो जो आईपी का रेंज है उससे आप डिफाइन कर सकते हो, सबनेट से डिफाइन नहीं कर। ठीक है, सो अगर आप देखोगे यहां पर, मैं और एक बार ले लेता हूं एक और चीज, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से 192.168 ये पीसी 1 है और ये पीसी 2 है। ठीक है, 192.0.1 और यहां पर मैं ले लेता हूं 192.168.0.3, तो क्या ये कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक है, तो आप नहीं बोल सकते हो, अभी नहीं बोल सकते हो जब तक कि मैं इसको नेटवर्क सबनेट नहीं दूंगा, यानी कि नेटवर्क आईडी डिफाइन नहीं करूंगा कितने हैं, तो मुझे सबनेट देना होगा। लेट से यहां पर मैंने दे दिया 255.255.0.0 और यहां पर मैंने दे दिया 255.255.0.0, तो क्या ये कम्युनिकेट कर पाएगा। तो आपका कंप्यूटर ये देखेगा कि क्या फर्स्ट टू नंबर्स आर सिमिलर और नॉट। तो यहां पर ये भी देखेगा, ये सिमिलर है, अगर ये दो नंबर सिमिलर है डैट मीन्स आपका नेटवर्क आईडी मैच कर रहा है, तो ये डेटा पैकेट सेंड होगा और कम्युनिकेशन हो सकता है। So, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका आईपी एड्रेस सी क्लास का है लेकिन आपका सबनेट जो है वो बी क्लास का दिया हुआ है। ठीक है, दैट डजंट मीन कि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड अ सबनेटिंग। हम बहुत सारे जगहों पर ऐसे सब चीजें यूज करते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े कंपनियों में 1.1.1.0 होता है, बट यहां पर जो सबनेट दिया होता है वो आपका सी क्लास की डिफॉल्ट सबनेट होती है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आईपी ए क्लास का है लेकिन सबनेट इसको सी क्लास का क्यों दिया गया है, तो सी क्लास ने उसको खरीदा नहीं है। यहां पर मैंने जो आपको बताया है, यहां पर मैंने जो आपको बताया है कि ए क्लास में कितने नेटवर्क आईडी आती है और कितने होस्ट आईडी आती है, ये सभी ने अपने आप को खरीद नहीं लिया। ठीक है, इसको मैं वाइसा वर्सा चेंज कर सकता हूं इन द केस ऑफ सबनेटिंग। तो एक टॉपिक होता है सबनेटिंग नेटवर्किंग के अंदर, वो जब मैं आपको सिखाऊंगा तब आपको समझेगा कि ऐसा हम क्यों करते, क्या रीजन होती है हम इसको सबनेटिंग का इस्तेमाल करते। ठीक है, सो देखो, तो ये जो कम्युनिकेशन करता है, ये कम्युनिकेशन तब करेगा जब आप नेटवर्क आईडी डिफाइन करते हो, और वो नेटवर्क आईडी आपका सिमिलर होना चाहिए दोनों ही सिस्टम के लिए। तो जब आप आईपी कैमरे कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको ये देखना है कि क्या आपके सारे डिवाइसेस के नेटवर्क आईडी सेम है या नहीं है। होस्ट आईडी कुछ भी हो सकता है बट नेटवर्क आईडी सिमिलर होना चाहिए। दैट मींस कि आपका जितना भी नेटवर्क आईडी है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को काम करते हुए डीवीआर का आईपी होगा 192.168.1.100,
मान के चलिए, ये DVR का IP होगा और आपके IP कैमरे की जो IP होगी वो होगी 192.168.0.10, कुछ इस तरीके से होगा आपके IP कैमरे की, ठीक है। और आप सोचते हो कि सर कैमरा चल क्यों नहीं रहा है, कैमरा इसलिए नहीं चल रहा है बिकॉज आपने जो सबनेट दिया हुआ है पहले वो चेक करो, ठीक है। जैसे सबनेट, इसमें डिफॉल्ट सबनेट क्या होता है 255.255, जो आप डिफॉल्ट सी क्लास का सबनेट लेते हो, ठीक है, 255.255.255.0, ठीक है। अब कंप्यूटर तो ये देखेगा ना, यानी कि आपका DVR तो ये देखेगा कि इसमें तीन नेटवर्क ID है, तो ये तीनों नेटवर्क ID सिमिलर क्यों नहीं है आपका, यहां पर देख सकते हो ये सिमिलर है क्या, नहीं सिमिलर है, तो यहां पर कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये मिस्टेक्स बहुत सारे लोग करते, जब आप नेटवर्क जब आप सबनेट मार्क्स डिफाइन करते हो तो उसमें जो शुरू के तीन चीजें हैं, यानी कि 255.255.255, दैट इज योर नेटवर्क ID, तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए आपका दोनों सिस्टम का नेटवर्क ID सेम होना चाहिए, ठीक है। जब आप लोकली अपने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में देना है, और इसी मिस्टेक की वजह से आप जो है घूमते रहते हो सर्च करते हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, फिर बाद में क्लिक होता है कि अरे DVR की IP जो है वो सेम रेंज में नहीं है। इट्स नॉट अ रेंज, इट्स कॉल्ड अ सबनेट, ठीक है। आपने प्रॉपर तरीके से नेटवर्क ID जो दिया है वो प्रॉपर नेटवर्क ID नहीं दिया है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर मैंने यहाँ पर मान के चलो ये 255 मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0.0, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पर मान के चलिए, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0.0, तो क्या ये कम्युनिकेशन कर पाएगा? जी हाँ, अब ये कम्युनिकेशन कर सकता है। कैसे करेगा? क्योंकि कंप्यूटर ये देखेगा कि इसका सिमिलर है, इसका भी सिमिलर है, ठीक है, तो ये आप कम्युनिकेशन कर पाएगा। बाकी आगे का क्या है, तो इसमें दो नेटवर्क ID है, भले IP कोई भी हो, मैंने क्या बोला, किसी ने भी किसी की भी रजिस्ट्री नहीं करवाई है, किसी ने भी किसी को खरीदा नहीं है, ठीक है। तो वो एक डिफॉल्ट है सी क्लास का, 255.255.255.0, ये डिफॉल्ट है सी क्लास का, बट उसने उसको खरीद नहीं लिया है, वो उसने उसको ओन नहीं किया है, ठीक है, और यही सिस्टम है, डेट इज कॉल्ड अ सबनेटिंग, जिसे आपको समझ, ठीक है। तो जब भी आप IP एड्रेस देते हो तो मेक श्योर कि आप क्या उसको सबनेट दे रहे हो वो ध्यान में रखना है, यानी कि जो आपका आपको जो भी मैच करवाना है उसे आप नेटवर्क आईडी दे दीजिए और बाकी को आप होस्ट आईडी रखिए। तो कंप्यूटर को यह पता चलेगा कि इसमें कितने नेटवर्क आईडी है और कितने होस्ट आईडी है विद द हेल्प ऑफ योर सबनेट मास्क। तो बहुत सारे कंप्यूटर में अगर आप देखोगे तो जैसे आप IP लिखते हो सबनेट अपने आप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। वहां पर एक सिस्टम होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एक सिस्टम होता है जो राउटर के अंदर होता है, ठीक है, और आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी डाले जाती है, जो डिफॉल्ट आपका सबनेट ले लेता है। बट ऐसा नहीं है कि वो डिफॉल्ट ले रहा है तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल ओपन करता हूं यहां पर, लेट से इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां पर IP वर्जन 4 में जाते हैं, और यहां पर अगर मैं यहां पर IP एड्रेस में लिखता हूं, लेट से 460, लेट से 460 अगर मैं लिखता हूं, तो यहां पर एक एरर आ रहा है। क्या आ रहा है कि आप 460 यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप 1 से लेके 223 तक के IP एड्रेसेस ले सकते हो, यानी कि सी क्लास तक ही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बाकी क्या है, मल्टीकास्ट, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मल्टीकास्ट है ना, वो रिजर्व्ड है, ठीक है। जब राउटर्स के कम्युनिकेशन करना होता है, एक बताऊंगा, एक RIP प्रोटोकॉल होता है, उसे हम यूज करने के लिए यूज करते हैं, बट वो सब आगे देखेंगे, अभी नहीं। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब मैं यहाँ पर जैसे ही 1 लिखता हूँ, ठीक है, और 1 लिखने के बाद यहाँ पर 1.1.1.0 कुछ ऐसा लिखता हूँ, और मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका सबनेट ले ले रहा है। तो इसको कहा जाता है बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी, ये बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कहा जाता है डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो हर एक क्लास को क्या किया गया है, एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क दिया गया है, लेकिन सबनेट मास्क देख के आप कभी ये जज मत करना कि ये जो IP एड्रेस है
वो कौन से क्लास की होगी, ये सब बोलना गलत है, ये कौन से क्लास की होगी। बहुत सारे लोग सबनेट मास्क देख के बताते कि इसमें तीन आया तो मतलब सी क्लास है, दो आया तो बी क्लास है, एक आया तो ए क्लास है, ये गलत है। ठीक है, क्लासेस को पता करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में आईपी के रेंज के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहां पर डिफाइन किया था। ऑल राइट, यहां पर देख सकते हो, और ये कहां से आया उसकी पूरी कुंडली मैंने आपको बता दी है। सो आई होप कि आपको सबनेट के बारे में पता चल गया होगा, सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक है, ये कहाँ से आया, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इसी तरीके से आपके ए क्लास में सबनेट मास्क होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो ए क्लास में अगर आप देखोगे तो एक सबनेट होता है, बाकी होस्ट होते हैं। बी क्लास में क्या होते हैं, दो सबनेट होते हैं, ठीक है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज देखो मैक्सिमम 255 जा सकता है ना, तो इसके वजह से उसको हमने 255.255.0.0 ले लिया। ठीक है, सी क्लास की अगर सबनेट देखोगे डिफॉल्ट सबनेट, तो वो होता है 255.255.0, ये क्या है आपका डिफॉल्ट सबनेट है ए बी और सी का। ऑल राइट, सो कुछ इसी तरीके से आपने हर सिस्टम के अंदर देखा होगा, बट ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैंने क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं आईपी कैमरे को इंस्टॉल करते समय पे और डीवीआर के अंदर कॉन्फ़िगर करने के समय पे, ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है। अच्छा, आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाऊँ और आगे इसको कंटिन्यू करूँ इस सीरीज़ को, और आप सीखना चाहते हो आईपी एड्रेसेस के बारे में, और इसके आगे बहुत कुछ है, इसकी लिमिटेशन यानी कि एक ए क्लास में कितना लिमिटेशन है, बी क्लास में कितना लिमिट है, सी क्लास में कितना लिमिट है, ठीक है, उस लिमिटेशन के बारे में जानना चाहते हो, तो वो सारा चीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो अगर आप इसका पार्ट टू चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करिए, नीचे कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो ही मैं बनाऊंगा, अदरवाइज इसे स्टॉप कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो फुल फ्लेज में इसको सीखना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, ठीक है, हमारा एक सीसीटीवी, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है, मोर देन 10,000+ पीपल, ठीक है, हैव एनरोल्ड इन अवर सीसीटीवी कैमरा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन करने के लिए मैंने एक नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वहां पर जाइए, अपना डिटेल फिल करिए ताकि हमें पता चल जाए कि आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हो, और इसी तरीके से आप बहुत डिटेल में और कोर कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि क्या होता है इस इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो, जब आप हायर लेवल पे जॉब के लिए जाओगे ना तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। जब आप दुबई में जाओगे, सऊदी में जाओगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पार्ट टू इसका चाहते हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आई होप कि यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ आपको बताई वो काफ़ी समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा सीखने में। सो बाय, टेक केयर, सी यू एंड मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।